हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू टू बाउंडेड अबव बाय द सरफेस जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड बाउंडेड बिलो बाय द एक्स वाई प्लेन, तब इसका हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, ये हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? फ्रेंड्स, वॉल्यूम v बराबर, अगर हमारे पास दिया हुआ है जेड बराबर, तो पहले लिमिट होगी जेड की लिमिट जो होगी वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रूट टू। ये सिलेंडर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन रूट टू एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ये फिर फॉर्मूला होता है। बेसिकली यहां पे हमारे पास डी ए होता है जिसको हम डी एक्स डी ए होता है, तो ये हो गया हमारे पास। अब फिर ये वी है हमारे पास, अगर इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करना चाहें तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए लेट x बराबर r cos थीटा एंड y बराबर r sin थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास v बराबर, लिमिट अगर देखें तो यहां से अगर हम थीटा की लिमिट देखें तो थीटा की लिमिट जो होगी 0 टू थीटा बराबर 0 टू 2 पाई, और अगर r की लिमिट देखें तो r की लिमिट जो होगी वो 0 टू और अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग रूट टू ये होगी, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, और डी एक्स जो यहाँ पे डी एक्स डी वाई होता है उसकी जगह आर डी थीटा डी आर रिप्लेस हो जाता है, तो ये हो गया हमारे पास। तो फ्रेंड्स, इसको लिख सकते हैं हम, इसको आर स्क्वायर डॉट आर को हम आर क्यूब लिख सकते हैं, आर क्यूब। अब ये हो गया हमारे पास, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले विद रेस्पेक्ट टू आर करेंगे, तो विद रेस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास यहां पे कर देता हूं मैं थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई, आर का ये हो जाएगा आर की पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट है हमारे पास 0 टू रूट टू 0 टू रूट टू, और ये हो गया डी थीटा। अब फिर से अगर लिमिट अप्लाई कर दें हम तो लिमिट अप्लाई करने पे ये हो जाएगा हमारे पास थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई, और ये हो जाएगा रूट टू की पावर 4, तो रूट टू की पावर 4 यानी कि 4 और 1 अपॉन 4 आगे बार है ही, 1 अपॉन 4 इसको बाहर ले लेते हैं, और जब 0 अप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा ये, तो 4 माइनस 0 ऑफ डी थीटा, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, ओनली 1 रहेगा, जब ये 4 बाहर आया तो 4 से 4 कट जाएगा, ये हो गया हमारे पास 0 टू 2 पाई ऑफ डी थीटा, तो यहां से हमारे पास आ गया थीटा और लिमिट है 0 टू 2 पाई, तो यहां से 2 पाई माइनस 0 इक्वल टू 2 पाई। तो फ्रेंड्स, ये इसका करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास, 2 पाई जो है ये हमारे पास इसका वॉल्यूम है। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।